लो। मंत्री जी जाइए, देखिए कि हनुमान जी अब तक क्यों नहीं आए। हनुमान जी जरा देखना है, वो सामने कौन है जो शख्स, वो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं। महाराज आपको तो यूं ही वहम हो रखा है और आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो बाली के दूत हैं। महाराज उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता, जबकि वह स्वयं ही आपसे अधिक ताकतवर है। हनुमान आपकी बुद्धि के क्या कहने, आप जल्दी से जाइए और पता लगाइए कि ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। यदि कोई खतरा हो तो मुझे बता देना ताकि मैं कहीं छुप जाऊं। जो आ गया महाराज। माला करवा चाहिए तो जी सब सारे लोग देख रहे हैं यहाँ। पापा जी भी बुलाना था। एक कमेटी जी से किसी किसी जे बंदे कहते ना शरीर च दिल चलता बंदा चलता है, एक कमेटी का दिल ने साडे भाजी तालियां खोल के मार दो गुलशन भाजी लई। जो कमेटी लई इन्होंने करता वो मैनू नहीं लगता भाजी कोई कर सकता। नाल दे पासे रामलीला होंदी सी बौनी भाजी ने बोलिया तो याद आ गई गल्लां। असीं बहुत छोटे होंदे सी छोटे छोटे मिट्टी पट के विच ड्रम रखते सी उत्ते फटे रखते सी फिर स्टेज तैयार होंदी सी उत्ते पराली दे उत्ते दरियां बिछा के फिर रामलीला होंदी सी। अज पक्कियां स्टेजा ते आ गया। बहुत 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 शुक्रगुजार हां भाजी दे प्रभु श्री रामलीला ताड़ियां मार दे पूरी कमेटी दे नाते। जिन्हें भी छोटे बड़े कलाकार सारे एकता पर ऐ के प्यार है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। अज इत्थे तक पहुंच चुके हैं, अगे होर तरक्की करते रहेंगे। आशीर्वाद चाहिए उन्हां दा। इन बिल्कुल प्यार है रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम। मुनिवर प्रणाम। हे मुनिवर क्या आप हमें पंपासुर पर्वत का मार्ग बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं। पहले आप ये तो बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। दिखने में तो लगो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवा अवस्था उधर फकीरी बना है, क्या कारण है बनाने का असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का सूरज शकल सहाना है, उधर हवाइयां उड़ रही मुक्के उसका भेद का जाना है।
क्या पूछो ओ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। मात पिता की आज्ञा से हम वन दामन को आए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में तेरे आने लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो ओ महाराज, हम तो किस्मत के मारे हैं। प्रभु श्री राम मेरे धन्यवाद, जो आपके दर्शन पहले कर पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं ना ही कोई ब्राह्मण हूँ ना ही कोई भिखारी हूँ, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वानरराज सुग्रीव जी का सेवक हूँ। वह भी आप ही की तरह अपने भाई का सताया है। उन्हीं की आज्ञा से मैंने ब्राह्मण वेश बनाया है। प्रभु यदि आप सुखदेव जी से हाथ मिला ले तो मुमकिन है एक दूसरे की सहायता से आप दोनों का काम बन जाएगा। लक्ष्मण, मुझे तो हनुमान जी की एक एक बात में सच्चाई नजर आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें हनुमान जी के साथ चलना चाहिए? बेशक भैया, इनकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इनको अपना हमदर्द बनाने में कोई बुराई नहीं है। प्रभु क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ हनुमान जी, चलिए हनुमान जी। और हमें कब इनकार है? चलिए प्रभु। महाराज की लक्ष्मण जी की सीता माता की ताड़िया सच्ची खोल के मारिया करो। इन्ना प्यारे मेरे सीन चलते हैं। इधर वाले मेरे जिन्हें भी भरा बैठे कोई भी ताड़ी ना मारियो तो पहले इन्हों का टेस्ट ले लिया। अपना देखता लीए रोटी खा के भी है कि नहीं। एक बार जोरदार ताड़िया मार दो। फर्स्ट है खिंच के ताड़िया मारो जो पता लगे। शुक्र गुजार हां, जित गया हूं अगली बारी फिर ताड़ी आ। इधर तो रख लिया मेरा भरा सारे जाने। श्यामजी रामचंद्र महाराज की सारे जित गया सीन तैयार है जी। सुग्रीव जी, ये दोनों रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज दशरथ के राजकुमार हैं और आप ही की तरह जमाने से बेजार हैं। इन्हें श्री राम और इन्हें लक्ष्मण कहकर लोग पुकारते हैं। ओह मेरा सौभाग्य,
आपका दीदार हो गया और मेरा बेड़ा पार हो गया। सुग्रीव जी, मैं भी सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। महाराज, बाकी सब तो ठीक है, परंतु आपके उदासे में एक चाहिए है। वैसे तो हनुमान जी ने मुझे इशारों में बहुत कुछ बताया है, लेकिन पूरा हाल नहीं बताया है। सुग्रीव जी, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए थे। मेरी भार्या मेरे सीता साथ थी और रावण उसने मेरी भार्या सीता का हरण कर लिया। हाँ, अभी उस दिन की बात है। एक स्त्री हाय हाय कहती पुकार रही थी, हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए आकाश के मार्ग से जा रहे थे और रावण की भुजाओं में जकड़ी हुई थी, बहक रही थी। वह दुष्ट बड़ी तेजी से अपना विमान लंका की ओर ले जा रहा था। मुझे देखकर उन्होंने कुछ जेवर नीचे गिराए थे जो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। ये लीजिए प्रभु, सीते तुम कहां चली गई? सीते सीते। सुग्रीव जी, ये तो मेरी सीता के लिए है। लक्ष्मण लक्ष्मण जरा देखना, क्या ये तुम्हारी भाभी माँ के हैं? सुग्रीव जी, मुझे हनुमान जी ने बताया था कि आप अपने भाई के हाथों बेजार हैं। सुग्रीव जी बताइए, उसका नाम क्या है? महाराज, वह मेरे बड़े भाई हैं, उसका नाम पाली है। एक बार एक राक्षस ने और राक्षस से लड़ते हुए दोनों पर्वतों की गुफाओं में घुस गए और बाली ने मुझे वहां रुकने के लिए कहा, परंतु 6 महीने तक मैं वहां वेट करता रहा। जब भैया बाहर नहीं आए तो मैंने सोचा ये भैया का वध राक्षस ने कर दिया है और मैं वहां से डरकर अपने घर आ गया। सभी सभासदों ने और मुझे वहां का राजा घोषित कर दिया। सुग्रीव जी, यहां पर आपका बचाव कैसे है? महाराज, उसे मदन ऋषि का श्राप है, अगर वह यहां आएगा तो भस्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है और आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। महाराज, अगर बाली को एक वरदान और मिला है, रणभूमि में जो भी बाली के सामने जाएगा उसका आधा बल उतने चला जाएगा।
मुझे तभी विश्वास होगा अगर आप एक ही मान से ये ताल के सातों बीच गिरा दें। ये लीजिए सुग्रीव जी, सुग्रीव जी अब आपको विश्वास हो गया? हाँ महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, अब बाकी की मौत निश्चित है। मैं कल ही इसके पास जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जाइए सुग्रीव जी और बाली का युद्ध के लिए ललकारिए और विजयी होकर आइए। जय श्री अवधिराज चंद्र महाराज।